देखो ये थ्री है, दिखाई दे रहा है ना ये थ्री। अब ये थ्री, ये जो हमारा जो छोटा छोटा बॉक्स है दिखाई दे रहा है, ये छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, ये छोटे बॉक्स हैं इसमें। ये पूरा एक बड़ा स्क्वायर है, उस बड़े स्क्वायर में 9 स्क्वायर्स हैं ना। बड़े स्क्वायर में हमारे 9 स्क्वायर कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये होगा। फिर इसके बाद जो 9 स्क्वायर है उसमें भी कितने नंबर हैं, 9 इसमें है, छोटे इसमें 9 स्क्वायर, इसमें 9 स्क्वायर, इसमें सब में 9 स्क्वायर है। तो एक बड़ा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर के बाद 9 स्क्वायर है, फिर एक एक में 9 स्क्वायर है, ठीक है। अब समस्या ये इसमें आती है, मतलब बहुत देर तक बैठोगे जो उस बैठोगे तो भर ले जाता है। थ्री यहाँ पर है तो थ्री मुझे कहीं भी लाइन में नहीं चाहिए, कहीं भी लाइन में मुझे थ्री नहीं चाहिए, ठीक है। तो थ्री में यहाँ से यहाँ तक नहीं भर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक नहीं भर सकता हूँ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ से लेकर कि ये जो 9 का ग्रुप है इस नंबर में आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर हैं, वो 9 तक ही फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर उसमें डबल बार 2 और डबल बार 3 नहीं हो सकता, समझ रहे बात को। तो अब मैं जैसे मान लिया कि मुझे 4 यहाँ पर भरना है, थोड़ा मेरे दिमाग में आया 4 यहाँ नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर 4 है, मैं 4 नहीं फिलअप कर सकता हूँ। चलिए मान लीजिए मैंने 5 भरना, 5 यहाँ भर दिया, 5 यहाँ कहीं नहीं है, चलिए अच्छा मान लीजिए मैंने 5 भर दिया, ठीक है 5 भर दिया। इसके बाद मुझे ये देखना है, अब इसमें देखिए 6 नहीं है ना, 6 में कहाँ भर सकता हूँ, ये पूरी लाइन में नहीं भर सकता हूँ। वजह ये है कि यहाँ 6 है ना, तो ये पूरी लाइन में मुझे 6 नहीं भरना है, मतलब इसमें भी नहीं भर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 6 भरूँ तो ठीक है क्या, इस लाइन में कहीं नहीं 6 है, यहाँ भी कहीं नहीं 6 है, यहाँ पर मुझे 6 भरा जा सकता है, ठीक है। अब मेरे पास बचा कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने मेरे नंबर हैं। अब 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना। तो अब मेरा नंबर 1 अभी बचा हुआ है, 1 मैं यहाँ भर दूँ, चलिए हाँ यहाँ 1 भर देता हूँ, ये हो गया हमारा 1 हो गया, है ना। मान लीजिए मुझे 2 भरना है, तो 2 कहाँ भरेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भर दें, तो कहीं पे लाइन में नहीं है 2, चलिए अभी सही है। 3 तो ऑलरेडी भरा, 4 देखिए कहाँ नहीं भर सकता, इस लाइन में 4 भर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ये यहाँ 4 कंट्राडिक्ट कर जाएगा, है ना। मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर 4 भरना होता तो भी समस्या है, क्योंकि ये 4 यहाँ भी नहीं फिलअप कर सकता हूँ क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ पर मैं 4 दूंगा तो यहाँ पर वर्टिकल है, यहाँ पर 4 भरता हूँ तो देख लीजिए यहाँ समस्या है। तो अब मेरे लिए 4 के ना तो मैं यहाँ पर 4 भर सकता हूँ, ना यहाँ पर 4 भर सकता हूँ, यहाँ पर 4 भर सकता हूँ, तो तीनों जगह मैं 4 नहीं भर सकता। इसका मतलब है कि जो मैंने अरेंजमेंट किया है वो गलत है, ठीक है। यही बात का मुझे ध्यान देना होता है और इसमें और कुछ करना नहीं होता, बस यही ध्यान लगाते लगाते मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए पजल, ठीक है। पजल ही दैनिक जागरण हिंदुस्तान में आता है एक दिन, और इसके बाद सॉल्व करके दूसरे दिन उसको भेजना होता है, जब सॉल्व कर देता है उसको पैसा मिलता है या जो कुछ भी मिलता होगा। तो ये यही इसकी कंडीशंस हैं ना, कि जो यहाँ पर जो फिलअप कर दिए हो कहीं भी नहीं भर सकते हो, पूरी लाइन में और ये पूरी लाइन में। और दूसरी बात है कि इसमें रिपीटेड नहीं कर सकते हो, इसमें नंबर 1 से लेकर के 9 तक ही होने चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि इसमें रिपीटेड होगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी कोई देख लो कि अभी मैं देख लो, अभी जो यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें, अभी इसमें जो है देख लीजिए कहीं पर भी रिपीटिंग नहीं है, सारे नंबर में 1 से लेकर के 9 तक के छोटे ग्रुप में, और छोटे ग्रुप के साथ अगर देख लीजिए कहीं भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहीं नहीं मैच कर रहा है ना, अगर मैच करता तो फिर गलत हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी ये तरीका है, बाकी अब चाहे उसको सॉल्व हो पाए या सिद्ध साध ना हो पाए, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।